हेलो गाइस, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल इन माय न्यू व्लॉग। तो फिर आज मैं कॉलेज आ गया हूँ। आप सबको आज मैं अपना कॉलेज दिखाता हूँ कि मेरा कॉलेज कैसा सा है। मैं 46 में पढ़ता हूँ। बस अभी मेरा पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर लगा के हटाऊँ, बस लेक्चर यार बढ़िया था। उसके बाद अभी हमारे एक लेक्चर फ्री है, तो फिर मैंने सोचा कि बीच में आपको थोड़ा दिखा देते हैं। मैं इतने दिनों से यार व्लॉग डाल नहीं रहा हूँ, बस मैंने एक स्क्रिप्ट की थोड़ी सी वीडियो डाली थी, स्क्रिप्ट करते हैं ना पाइथन में। बस अभी इस लेक्चर के बाद हम चलेंगे एक और लेक्चर में, और फिर हम जाएंगे वहाँ से घर। और शाम को मैं PUB जाने वाला हूँ मेरी फिज़िकल एक्सरसाइज के लिए, तो फिर मैं आपको अपना PUB दिखाऊंगा। इतना हम यहाँ पर बैठते हैं थोड़ा छाँव के नीचे, जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी प्यारी छाँव आ रही है यहाँ पर। ऐसे लग रहा है जैसे कि ना पुराने दिन वापस आ गए हैं। बस आज मैं जल्दी उठ गया था क्योंकि कॉलेज भी जाना था, लेकिन रात को मैं ना लेट सोया था। रात को मतलब लेट नाइट मेरे को लग गए थे, 2-3 बज गए थे मेरे को, मेरी सीरीज़ कम्प्लीट कर रहा था। यहाँ पे NCC का भी है जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे करके यहाँ बच्चे बैठे हैं बहुत सारे। ये हमारा कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, इसलिए आपको लुक ऐसा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे बैक साइड में ना एक ना SD कॉलेज है, वो कॉलेज हमारा प्राइवेट है, ठीक है। तो फिर प्राइवेट कॉलेज में आपको पता ही है क्योंकि फ़ीस भी ज़्यादा होती है, और लेकिन वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पर तो सिंपल फैसिलिटीज़ है, लेकिन फ़ीस भी मिनिमम ही है। मेरे बैग में अभी कुछ नहीं है, बस मैं ये वाला बैग लेके आया था। ये मैंने शूज़ डाले हुए हैं, जैसे कि वो AP टिलन डाल रखे है ना। और जैसे कि आपको पता है यार, अभी एक ना बहुत सारी मूवीज़ आ रही है, बैटमैन की भी आ रही है मूवी, शायद मेरे को शायद वो रिलीज़ होगी है मूवी मेरे हिसाब से तो। और एक वो आजा मैक्सिको चलिए भी आ रही है, तो मेरा मन तो कर रहा था देखने का, लेकिन यार कोई मन सा ही नहीं, फिर यार कोई टाइम सा ही नहीं मिल रहा। तो अभी देखते हैं, अगर ऑनलाइन आ जाएगी तो ऑनलाइन ही देख लूँगा मूवी, है ना। बाकी वहाँ थिएटर में जाना तो थिएटर में देखेंगे, इतना कोई सीन नहीं है यार। लेकिन यार आज ना मौसम बढ़िया हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं ना, मतलब प्यारी प्यारी हवा चल रही है। जैसे कि मैं +2 में ना, मेरी नॉन मेडिकल थी, तो फिर नॉन मेडिकल में जैसे कि थोड़ा फ्री टाइम मिलता था, हम बाहर आ जाते थे ना स्कूल में, तो वैसे सी पूरी वाइब्स आ रही है, पॉजिटिव वाइब्स कह सकते हैं। बस अभी 10-15 मिनट फ्री है, 10-15 मिनट के बाद मेरे एक और लेक्चर है फिलोसफी का, तो फिर फिलोसफी का लेक्चर लगाने के बाद फिर मैं आदित्य के साथ जाऊँगा, आपको आदित्य से मिलाऊँगा, वो न्यू लेक ही आएगा डायरेक्ट, ठीक है। 12-1 बजे ना आदित्य शायद ना न्यू लेक डायरेक्ट आएगा, फिर वहाँ पर उससे थोड़ा सा मिल के फिर शाम को PU चलेंगे। क्या बोलती बाबू लेक। हेलो गाइस, यार मेरा सबसे पहले व्लॉग में मैंने डाली थी ये वाली लाइन ना, तो भी लेकिन बढ़िया थी। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो आप ज़रूर देखना, आपको जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इतने व्लॉग डाले ही नहीं अपने चैनल पर। शायद प्रशांत आ रहा है वो, तो बस अब डेली व्लॉग्स आए करेंगे पूरे कॉलेज में ना। शायद ना व्लॉग सिर्फ मैं ही बनाता हूँ, सोचो मैंने व्लॉग अगर अपने कॉलेज के ग्रुप में सेंड कर दिया तो क्या मज़ा आएगा ना। ये देखो हमारे कॉलेज का नाम चमकता हुआ आसमान में, इट लुक्स सो गुड। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ना प्रशांत पता नहीं कहाँ पे होएगा यार। यार इस प्लेस पे ना हमारे कॉलेज के पता नहीं क्या ना कुछ ज़्यादा ही भीड़ सी लग रही है। ये प्रशांत है, प्रशांत पीछे देख ले, प्रशांत पीछे देख, हेलो कर दे। यस यार, नाटक नाटक हो रहा है, नाटक चल रहा है। चलो आपको नाटक दिखाते हैं आज हमारे कॉलेज का। ये क्यों आ रही है, बर गया भी शायद, हाँ लग तो रहा है, ये कर रहा था इतवार चिक्के मारी यार मेरा उस्ताद कर रहा है। जैसे देख सकते हैं आप, बेबे मर चुकी है। अब तो बेबी उठेगी, ए ओ बेबी उठेगी, ओए उठेगी उठेगी उठेगी, पता नहीं इसको बेड में आ रही है, बेड में पता नहीं यार, बोल मैम देखा तो ठीक है। दूसरा प्ले स्टार्ट होने जा रहा है, देखते हैं अभी क्या करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, स्टार्ट हो गया है। अरे वाह, मैं
लड़कियों तो बढ़िया करते हैं हर रोज हजारों की तो हम सेकंड फ्लोर पर पहुंच गए हम अपने कॉलेज के, तो फिर देखते हैं अंदर कितने बच्चे क्लासेस लगा रहे हैं, कितने बच्चे क्लासेस नहीं लगा रहे हैं। हाँ यस, क्या नाम है? फ्लाइंग ह्यूमन व्लॉग्स। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कोई बच्चा क्लास नहीं कर रहा, सारे सिर्फ नोटिस बोर्ड पर देख रहे हैं। यार सारे बच्चे वहाँ पर जा रखे हैं, नीचे प्ले चल रहा है, लेकिन यार वो भी एक करिकुलम एक्टिविटी है। ऐसी सी लाइट आ रही है जैसे कि कोई UFO लैंड करने वाला है। ये वाले कॉरिडोर में सारे 6 semester के स्टूडेंट्स का है सारा कॉरिडोर। यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी नीचे है फिर ऊपर है, लाइब्रेरी यहीं पे ही है जैसे कि आप देख सकते हैं। बढ़िया बढ़िया, बच्चे स्टडी कर रहे हैं, क्लासेस लगा रहे हैं। यहाँ बच्चे क्लासेस कर रहे हैं नहीं, यहाँ पे एक ही बच्चा बैठा है। चलो लेकिन हमारी क्लास तो होगी है कम्प्लीट, यहाँ पे है देखो, यहाँ पे कबूतर भी है। ये सरकारी कॉलेज की शान है। ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जाना है अंदर, जो लाइब्रेरी में आपको दिखाता हूँ मैं कितनी साइलेंस है। ये देखो पीरियोडिकल सेक्शन है यहाँ पे। किधर जाना है? लाइब्रेरी पबजी खेल रहे हैं। चलो आप देखो थोड़ा सा हाइपरलैप्स, इतना मैं नीचे जा रहा हूँ। आपको दिखाया कि हमारे कॉलेज में प्ले हो रहा था, और अभी यहाँ पे एक बच्चा गिटार हो जा रहा है। यहाँ पे ना सारी अलग अलग एक्टिविटीज ही होती रहती है, लेकिन एक्टिविटी कॉलेज के थ्रू नहीं है, सारी भी बच्चे ही कर रहे हैं एक्टिविटीज, है ना प्रशांत? तो अब हम इस सरदार जी को सुनते हैं कि कैसा बजा रहे और कैसा गा रहे हैं। गिटार बजा रहे हैं। अच्छा, इसकी वॉइस ही बहुत अच्छी है, लेकिन इन दोनों कॉम्बिनेशन ना बहुत बढ़िया है, गिटार और वॉइस का। ये हमारा कॉलेज का व्यू है यार, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे ना सारे बंदे आते हैं नजारे करने। पंप में आ रहा हूँ। जस्टिन बीबर नहीं आया था? नहीं, मैं तो व्लॉग के लिए वीडियो शूट करूं। तेरी याद मैनू तड़पा, तेनू जिस्म चो मेरे जानी, तेरे जिस्म की खुशबू चाहे जागा, चाहे सोवा, तंग कर दे क्या।
थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और सर एंजॉय करते हैं फिल्म टैंगिस्ता वरना पुल्ला।